दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जुमा पढ़कर मेहरोली से आ चुके हैं, अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे पीछे हैं, एक दो लोग, और एक दो लोग ये आगे चल रहा है। और हम लोग अभी यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाएंगे। इधर पूरा कोई ऑटो वाटो चलता ही नहीं, इसलिए हम लोग आगे ही में हाईवे पर उतर गए, क्योंकि ऑटो हाईवे तक ही आता है, उसके आगे पैदल ही चलकर अंदर आना पड़ता है। कम से कम 2 किलोमीटर दूर अंदर पैदल चलकर आना पड़ता है। इधर उतना ऑटो वाटो टैक्सी चलता नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसी वजह से पैदल हम लोगों को आना पड़ता है। तो पैदल चलते चलते कम से कम 2 किलोमीटर दूर अंदर तक हम लोग ऐसे ही पैदल चल चल के आते हैं। फिर इधर पूरा फार्म हाउस ही है, पूरा जंगल एरिया है और पूरा फार्म हाउस ही है, बड़ा बड़ा। देखिए जैसे कि ये सब है, ये सब फार्म हाउस है। कम से कम एक एक फार्म हाउस एक कॉलोनी के बराबर है। आज आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा कि जहां हम रहते हैं उस जगह का नाम क्या है, कैसे कैसे हम लोग जाते हैं, किस किस तरह से है, कौन से एरिया में है, ये सब जानकारी आज हम आप लोगों को देंगे, पूरी जानकारी। इस जगह का नाम है बढ़िया बढ़िया। आज हम आपकी हिस्ट्री से जानकारी देंगे। जैसे कि बता रहे हैं, हम बसंत कुंज में रहते हैं, ग्रीन एवेन्यू धवन फार्म है इसका नाम, जहाँ पे हम रहते हैं। वहाँ तक गाड़ी चलता ही नहीं, पैदल ही जाना पड़ता है, पूरा चल के पैदल ही पैदल जाना पड़ता है। आज ये ब्लॉग में आपको मैं सारा जानकारी दूंगा कि हमारे पीछे देखिए, हमारे सामने वाले हम लोग आज कम लोग गए थे पढ़ने नमाज, क्योंकि बाकी लोग उधर ही रह गया, रूम पे ही रह गया। अब बाकी लोग आए हमारे साथ नमाज पढ़ने। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा हम लोगों को, और इस रोड में हम लोग ये रोड सीधा जाता है, और ये जिस रोड में हम लोग रहते हैं उसका एड्रेस डिटेल। जैसे कि जिस रोड में हम लोग रहते हैं उसी रोड में ये मंदिर पड़ता है, श्री अमरनाथ मंदिर गिरिनगर में बसंत कुंज में ये पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा डिजाइन वाला बना हुआ है, ये मस्त लग रहा है देखने में। और यहीं से सामने हम लोग रहते हैं, अभी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। इसी रोड में हम लोग पिछले आधे घंटे से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर हम लोग उतरते हैं, तो वहाँ से पैदल पैदल चलकर आना पड़ता है हम लोगों को। कम से कम मैंने बताया था पिछली बार भी कि कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर अंदर हम लोग रहते हैं। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेन गेट पर, जहाँ हम लोग रहते हैं। जैसे कि ये दिख रहे हैं धवन फार्म है, और उसके पड़ोस वाला गुप्ता फार्म है। ये गुप्ता फार्म है और ये धवन फार्म है, इसके अंदर हम लोग रहते हैं, और ये पड़ोस वाला है। अभी हम ये गेट खुलवा के इस गेट के अंदर जाएंगे, हम गेट खोलेंगे। जैसे देख रहे हैं हम अब अंदर आ चुके हैं, गेट खुल के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि अभी धूप नहीं है, इसलिए आज उतना दिक्कत नहीं हो रहा है चलने में। नहीं तो इतना तेज़ धूप पड़ता है कि यहाँ पे हालत ख़राब हो चुका रहता है, हालत पूरा ख़राब हो जाता है जब धूप इतना तेज़ रहता है। इतना तेज़ धूप रहता है कि चलने में भी दिक्कत होता है। उसके बाद हम लोगों ने तो ऑटो करके डायरेक्टली आना पड़ता है। ऐसे आज धूप कम है, मौसम भी देखिए कितना साफ़ है, बिल्कुल मस्त है, इस वजह से हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए ये अर्जुन फार्म है, और इसके आगे भी फार्म हाउस है काफ़ी सारा, जैसे कि आपको आगे बताऊँगा। और इस रोड में हम लोग पैदल ही चल के जाते हैं। देखिए ये पूरा खाली है, जैसे लगता है गांव देहात है, लेकिन कुछ दिन में ये सब बदल जाएगा इस एरिया का, क्योंकि अभी इसमें उतना ज़्यादा मकान बना हुआ नहीं है। पहला मकान जो जिसमें हम लोग रहते हैं वही बन रहा है, पहला मकान है वो जो बन रहा है अभी, और इसके बाद बनेगा, मतलब कुछ दिन में 2-4-5 साल में यहाँ का सारा लुक बदल जाएगा। अभी जैसे जंगल एरिया दिख रहा है वैसे नहीं रहेगा, 2-4 साल बाद इसका तो पूरा लुक ही बदल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट लुक हो जाएगा। हम लोग जहाँ पे रहते हैं अब यहाँ से थोड़ा ही दूर है, क्योंकि अब मुश्किल से 500 मीटर होगा यहाँ से, मतलब आधा किलोमीटर दूर है। फिर आगे का आपको वहीं पर मैं जाके जाऊँ, आज पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँगा, पूरा जहाँ रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, कितना दूर है, कैसे हम लोग जाते हैं, और कितने लोग रहते हैं, ये सब दिखाऊँगा, और क्या बन रहा है ये सब दिखाऊँगा आपको, इसी ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा। लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आज आप लोगों के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सा एरिया अच्छा है नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा चीज़ दिखाऊंगा, आज पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा सेट तक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अब सेट पे पहुँच चुका हूँ, जैसे अभी मैं थोड़ा ही दूर हूँ, आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ। ये रहा हमारा सेट जहाँ काम चल रहा है, और हम लोग अब पहुँच चुके हैं। और देखिए सेट भी काफ़ी बड़ा है, ये रोड है, ये पूरा बड़ा है,
और ये देखिए हमारे साथ वाले भी पैदल पैदल पहुंच चुके हैं अब यहाँ तक। और यहाँ पे हम लोग रहते हैं जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा ही दूर है अब यहाँ से। और ये जो स्टाफ आते हैं उन लोगों की गाड़ियाँ हैं ये जो खड़ा हुआ है, देखिए पैदल मार के भी नहीं जा सकते हम लोग। जैसे कि देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, सब काम पे जा रहा है।